गत चर्चा जो की उसमें मैंने वेद क्या है केवल इस विषय में चार सूत्र दिए थे और छोटे छोटे चार सूत्र हैं। पहला सूत्र है वेदो धर्म, क्या है? वेद धर्म है, वेद धर्म है। अब जब वेद धर्म कहते हैं एक झगड़ा पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है कि सारा जो संस्कृत जगत है और विशेषकर जिनको वेद का पढ़ना पढ़ाना काम है वो लोग कहते हैं वेद से धर्म का बोध होता है न कि वेद ही धर्म है। और ये बात शुरू हुई थी ओझा जी के कथन से। ओझा जी ने यही कह दिया था कि वेद ही धर्म है, वेद धर्म की पुस्तक नहीं है, वेद स्वयं धर्म है, धर्म को बताने वाला कोई शास्त्र नहीं है। इस पर बड़ा झगड़ा चला उन दिनों शास्त्रार्थ का युग, आज भी है, और शास्त्रार्थ में एक दूसरे को मात्र करो, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करो और नीचे दिखाओ। जो मैंने तय कर रखा वही सही चीज है। तो शास्त्रार्थ में ओझा जी के ऊपर नाना प्रकार के आक्षेप भी हुए। ओझा जी ने अपने आक्षेप आदि की परवाह न करते हुए भी उसके लिए कुछ उत्तर दिया था। तो उसे दृष्टि में रख करके मैं पहला आपको सूत्र दिया है वेद धर्म। अब वेद को धर्म क्यों कहा जा रहा है और धर्म क्या है? इसका उत्तर है धर्म मनुष्य। देखिए क्या कहा गया, धर्म मनुष्य। तो वेद धर्म है और धर्म मनुष्य है, तो इसका मतलब वेद मनुष्य है और मनुष्य वेद, धर्म है मनुष्य। अच्छा, ये कोई अपने कल्पित सूत्र नहीं है। वेदा धर्मो ही निर्बहु, मनुस्मृति के श्लोक का एक अंतिम चरण, वेदा धर्मो ही निर्बहु, वेद से ही धर्म प्रकट हुआ है। वेदा पंचमी का एक वचन है, वेद से निर्बहु भाव एकत्व धातु है भाति, तो उसी भाति का लिप लगा कर रूप बहु निर उपसर्ग लग गया, तो निश्चित ही इसको प्रदीप्ति दीप्ति प्रकाश सब कुछ मिला है। तो वेद से ही धर्म को संपूर्ण प्रकाश मिला है, इसका मतलब वेद धर्म को प्रकाशित करने वाला शाब्दिक दृष्टि से नहीं बल्कि औपपत्तिक दृष्टि से। ये दूसरा, तो अब दूसरा जो है धर्मो मनुष्य है। अपने वेद के इस प्रकार के प्राचीन काल के व्याख्या करने वाले लोग थे वो ऋषि थे, उनके जीवन में भी वेद था, मन में भी वेद था, बुद्धि में भी वेद था, खाने पीने में भी वेद था, सब कुछ वेद ही वेद था, वेद से भिन्न कुछ नहीं था। ऐसे लोगों को ऋषि नाम दिया गया। ऋषि का एक ही अर्थ था ऋषिर्वेद। देखिए वेद के नाम देखे कितने आश्चर्य, ऋषि वेद और ऋषि क्या है? ऋषि प्राण, ऋषि प्राण है। तो प्राण वेद इनकी एकता जिसमें हो वहां ऋषि होगा। तो वेद मनुष्य कहकर के हम कह, धर्म है मनुष्य कहकर कह देंगे कि धर्म मनुष्य से पृथक नहीं है। तो उस ब्राह्मण के उस वक्त के व्याख्या ग्रंथों को हम ब्राह्मण नाम से बोलते हैं। तो अथर्ववेद की व्याख्या वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है गोपस ब्राह्मण। क्या नाम है? गोपस ब्राह्मण। उस गोपस ब्राह्मण का यह मनुष्य है। तो इसका मतलब कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि धर्म जो है वो वेद ही है और मनुष्य भी धर्म ही है। क्यों? गाय को अपने धर्म का पता नहीं है। गाय गाय क्यों है उसे पता नहीं है, बिच्छू बिच्छू क्यों है उसे पता नहीं है। आपके जो मूर्तियां बना देते हैं ये मूर्ति मूर्ति क्यों है मूर्ति को पता नहीं है, पर मनुष्य को जो पता है वो क्या है, कैसे है? तो अब तीसरा सूत्र रहता है मनुष्य पुरुष, मनुष्य पुरुष है। अब पुरुष तो सभी है, नहीं सभी नहीं, हमारे वेद ही कहता है कि जितने भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब पुरुष हैं,
तो जब सब पुरुष हैं उनमें मनुष्य भी एक पुरुष है, तो अब उन सबको न कह करके मनुष्य को पुरुष क्यों कहा गया? इसे सीधा सीधा अर्थ है कि पुरुष का जो स्वरूप है वही स्वरूप मनुष्य का है, क्योंकि वो धर्म का जीता जागता स्वयं एक प्रतिरूप है धर्म इस दृष्टि। तो अब वो पुरुष क्या है? तो आपका सबसे बड़ा जो सूत्र माना जाता है, जो लगभग चारों वेदों में किसी न किसी रूप में प्रसिद्ध है, जिसके ऋषि नारायण है और जिसके देवता स्वयं पुरुष है, उसको हम जानते हैं पुरुष सूक्त नाम से। किस नाम से जानते हैं? पुरुष सूक्त। और पुरुष के लिए कहा गया पुरुष एव इदम सर्वम, यह पुरुष ही सब कुछ है। तो अब इसका अर्थ देखिए कि हम अगर उसको धर्म के साथ मिलाएंगे तो धर्म एव इदम सर्वम, दूसरा धर्म का मनुष्य से मिलेंगे तो मनुष्य एव इदम सर्वम, क्यों? कि मनुष्य एव पुरुष हो। तो इन चार बातों को दृष्टि में रख करके वेद की व्याख्या करने के लिए प्रवृत्त होने वाले उस आधुनिक युग के महापुरुष का नाम है पंडित मधुसूदन ओझा। ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा हो वेद के किसी भाष्य उठा के देखिए, वैसे दुर्भाग्य अपना है कि कम से कम भाष्य मिल रहे हैं, एक ही भाष्य मिल रहा ज्यादातर शायनाचार्य का, और लगभग लगभग उस व्यक्ति का वैदिक साहित्य पर प्राय प्राय भाष्य है। इसके अलावा लोगों ने यत्न किया है कोई एक भाष्य पर कर सके, कोई दो भाष्य पर कर सके, कोई तीन पर कर सके, चारों भाष्यों पर उनके बाद बहुत समय बाद यत्न करने वाले एक दूसरा व्यक्ति और हुआ है, और वो थे ऋषि दयानंद से प्रेरित, जिनको हम सातवलेकर जी के नाम से जानते हैं, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। आश्चर्यजनक होगी, देखिए यहाँ हम ये बातें करते हैं, मुझे खुद को कभी कभी ऐसा लगता है कि वस्तुतः जिन लोगों ने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया होगा, जिन लोगों ने कुछ विभिन्न अन्य विषयों का अध्ययन नहीं किया होगा, उनको वेद सरलता से कैसे आए, एक बात। दूसरा, अगर बाद में कोई अध्ययन करेगा तो क्या ज्ञान के अलावा उसको संस्कार प्राप्त हो जाएंगे? प्राप्त सबसे बड़ा प्रश्न है। यह सातवलेकर एक ऐसी अद्भुत व्यक्ति थी, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे में ये आपके चित्रकला के जबरदस्त व्यक्ति के वहीं पढ़े लिखे थे और वहीं रह गया। किसी काम से इनको पंजाब में आना पड़ा, पंजाब में जगह जगह देखा कि ऋषि दयानंद के द्वारा सरदर्द रेज का खूब प्रचार प्रसार हो रहा, जिस घर में जाए वहीं वेद की चर्चा, और हर व्यक्ति की वेद के प्रति जैसे एक बहुत ही आकर्षण शक्ति दिखाई दी, इनको ऐसा लगा। तो अनुसार मैं तो अपनी 55 वर्ष अपने आयु के यहीं को दी, मुझे वेद पढ़ना चाहिए, तो वेद पढ़ना चाहिए इसका मतलब संस्कृत पढ़नी चाहिए। उन्होंने उस उम्र में और संस्कृत का अध्ययन शुरू किया, कितने आयु में 55 आज हमारे पढ़ लिखा कर रिटायर्ड होने की आयु है 60, और उस रिटायर्ड होने की आयु में उस व्यक्ति ने संस्कृत को ग्रहण किया। आश्चर्य होगा उन्होंने 4-5 साल में ही संस्कृत पर इतना बड़ा अधिकार कर लिया कि फिर वेदों की व्याख्या चल गए, वेद ही व्याख्या है। तो आजकल ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो वेद की व्याख्या तो करते हैं पर परिणाम उसका सत्यानाश। अब जब ऐसे नाम देखने पड़ते हैं विवश होकर देना पड़ता है, अगर आपके उसके लिए श्रद्धा तो आपकी श्रद्धा के लिए चुनौती नहीं है, केवल आपको इतना सा बाध्य होना पड़ेगा सोचने के लिए कि हमारी श्रद्धा क्यों है और जिस कारण से श्रद्धा है वही कारण अगर उनमें श्रद्धा पर आघात करने वाला है तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा रहनी चाहिए अथवा नहीं रहनी चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न है। हम क्यों श्रद्धा है? राम के प्रति क्यों श्रद्धा है? कृष्ण के प्रति क्यों श्रद्धा है? क्योंकि हमें इनके जीवन में आदि से अंत तक कहीं भी उस श्रद्धा के प्रति प्रश्न चिन्ह उठे ऐसा व्यवहार नहीं मिलता है। हमारी कथनी कुछ और, करनी कुछ और फिर भी हम उनको जय जयकार किए चले जा रहे किए चल रहे हैं और उनके गलत काम नहीं बता रहे, तो बताइए इससे मुक्ति कब मिलेगी आप लोगों को? कभी तो समय आने चाहिए मुक्ति नहीं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हम संप्रदाय संबंधित नहीं मानते। मेरा
इन दिनों मतलब विगत 50-60 वर्षों से केवल एक ही अध्ययन है, और वह अध्ययन है और कुछ नहीं कि हम जहां कहीं भी गए हैं गलतियां ही गलतियां करते गए। हमने अगर कोई शास्त्रों की व्याख्या की है तो कहीं आरंभ नाम की कोई अच्छी चीज ही नहीं। मोटी सी बात है, एक संप्रदाय की बात नहीं है, जामवान राम के सैनिकों में एक है, पुष्पम क्या मानते हैं, भालू क्या मानते हैं, भालू, वाल्मीकि ने भालू शब्द का प्रयोग नहीं किया, भगवान वाल्मीकि उसके लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या प्रयोग कर रहे हैं, वृक्षोत, वृक्ष शब्द का अर्थ भालू ही होता है क्या, या कुछ और अर्थ भी होते, वृक्ष का अर्थ भालू होता है क्या, होता है, पर वृक्ष का अर्थ ये सारे तारे नहीं है, नक्षत्रम वृक्षम भम तारा तारका उडुवास्यम, अमरकोश दे देते हैं अपने शब्द को, तो वृक्ष नाम तारों का भी। तो हम उस जांबुवान को उन तारों के जैसा प्रकाशमान शक्ति का पुंज क्यों नहीं माना, हम रीच पर ही क्यों गए, एक बार ये हमने कभी नहीं सोचा। और वो जांबुवान कौन है, पर हमारी श्रद्धा ही नहीं, पहले प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि राम के साथ रहने वाले जांबुवान की पुत्री जांबुवती का कृष्ण से युवा कैसे, मतलब बकवास, क्या है बकवास, क्यों क्या बकवास, आपके प्रश्न के उत्तर धीरे धीरे आएंगे, व्यापक दृष्टि से देखिए आगे तो मैं कहूँगा कि बकवास क्यों है। हमारे मस्तिष्क में एक प्रसिद्धि हो गई कि राम त्रेता युग के व्यक्ति है, किसी युग क्या है, त्रेता युग, जहां देखो वहां त्रेता, मुझे बड़ा आशीर्वाद जो वाल्मीकि रामायण पढ़ता हूँ तो वहां स्पष्ट शब्दों में और अपने कथन के संदर्भों में भगवान वाल्मीकि ने राम को द्वापर का बताया है। किस बात है, द्वापर, क्या हमारे देश में एक भी संत विद्वान ये कहने को तैयार ही राम द्वापर में रहते नहीं, और जिसने द्वापर कह दिया उसको हमने बेवकूफ मान लिया। कौन है वो, भास, भास का नाम तो सुना है लोगों ने, इसके कम से कम 22-23 ग्रंथ तो केवल नाट्य विषय ही मिल रहे और प्रसिद्ध है सब, एक से एक बढ़कर की भी है। उस भास ने बाल चरितम नाम से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, उसी का उसका जो मंगलाचरण श्लोक है वो मंगलाचरण श्लोक कहते हैं कि चार युग, क्या चार युग, और उन युगों में इस सारे विश्व की रक्षा के लिए नाना प्रकार के अवतारों में अवतरित होने वाले चार प्रसिद्ध अवतार। तो जो पहला है सत्ययुग, उसमें अवतरित होने वाले उस व्यक्ति का नाम उन्होंने नारायण दिया, नामना तो नारायण, शंख क्षीर वपु पुरा कृत युगे नामना तो नारायण, शंख और क्षीर दूध और शंख जैसे बिल्कुल सफेद वर्ण है वो सत्ययुग में रूप होगा, और नाम से उसे कहा जा सकता है नारायण, और जिन नारायण को हम नर और नारायण के जोड़े के रूप में पाते हैं, जिनके तीर्थ पर हम जाते हैं हमारे चारों धामों में, उनका भी नाम प्रसिद्ध है नामना तो नारायण। चलिए ठीक है, आगे आगे कहते हैं जो दूसरा युग आता है उसमें कि इस बलि को बांधने वाले और उसे त्रिलोक की छीनने वाले उसका नाम है वामन। इसका मतलब त्रेता का संबंध जिससे है वो वामन है, आया वाम। और तीसरा फिर रूप क्या हुआ, तो तीसरे रूप में उसने कहा है जो रावण को मारने वाला है और द्वापर शब्द का प्रयोग किया, द्वापर ने जिसका जन्म हुआ है वो राम। तो कहते हैं कि ये वामन त्रेता में हो गए, और त्रेता प्रसंधि में यही व्यक्ति और सहस्रार्जुन को मारने वाले
राम अर्थात परशुराम के रूप में प्रकट हुए, और द्वापर में जो नाम क्या नाम राम रावण राम कौन राम के रावण वंश हरता, रावण के वंश को नष्ट करने वाला युगे द्वापरे। अब हमारे टीकाकार कहते हैं जबट करते हैं कि राम को द्वापर में बताने वाला ये भाष का कथन गलत है। अरे भले आदमी उनके तुम 22 के 22 जो है ग्रंथों की टीका करने जा रहे हो, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो आपके सामने कितना बड़ा है उसके लिए एकदम से बिना सोचे समझे कह दिया ये चिंतन ही है। चिंत्य क्या है? चिंत्य राम द्वापरे इति चिंत्य भाष इतनी बड़ी व्यक्ति कर रहा द्वापर में बोल रहा। क्यों? अब ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है कि हम किसी संप्रदाय को गाली दे रहे हैं कि त्रेता की जगह राम को द्वापर में लगा देना एक संप्रदाय। कोई भी संप्रदाय जो त्रेता के आधार पर मानने वाला सत्य का मानना है नहीं, कोई संप्रदाय ही नहीं है। और फिर भी उसको ठीक नहीं माना। अब चौथे मतलब उसने कृष्ण का नाम यही दिया इसलिए कलयुग में जो कृष्ण हुआ नाम। तो अब आप सोचिए ऐसे प्रत्यक्ष मैं आपको वाल्मीकि रामायण को उदाहरण दे रहा हूँ। एक सामान्य उदाहरण देखो क्या है, भगवान राम विवाह उनका हो जाता है, तीनों भाइयों का हो जाता है। दशरथ जब लौटते हैं कहाँ से मिथिला से और अयोध्या की ओर, रास्ते में ये महापुरुष आ जाते हैं परशुराम जी। कहाँ आते हैं? लौटते वक्त जंगल में परशुराम जी आते हैं और आकर उनको जब देखा वो तो तामझाम था, चारों भाइयों की बरात लेकर दशरथ गए थे। दशरथ को तो इतना लग रहा है जैसे जीवित ही मुक्ति प्राप्त हो गई, इससे बड़ा क्षण क्या आएगा। हाथ सुनना से साथ आ रहे थे, जैसे परशुराम को देखा सब काम करके क्या ये क्यों आया ये किससे आया। वशिष्ठ जी जैसे व्यक्ति सोचते हैं कि अब इसके मन में क्या है, इनको तो नहीं आना चाहिए। वशिष्ठ नहीं कहते क्यों आया, आने ही नहीं चाहिए था उस परशुराम को जिसने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया पूरे देश में। यहाँ तक कि लोग तो कहते हैं गर्भ के अर्भ काटन को पटुधार उठा रहे गर्भस्थ बालकों को काटने में भी जिनके कुठार की धारा अत्यंत तेज है अर्थात बच्चों तक को मार डालने वाला, यह अतिशयोक्ति के रूप में परेशान का वर्णन। जब वो आएगा तो परेशान तो नहीं होंगे। ऋषि लोग अर्घ्य देते हैं वो स्वीकार करते जाते हैं पर बढ़ते जा रहे हैं राम की तरफ। दशरथ उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और दशरथ रो रहे हैं। क्या रो रहे हैं कि देखिए आपने अपने क्षत्रियों के वध करने वाले संकल्प को छोड़ते हुए धनुष को रख दिया था, इंद्र के और कश्यप के सामने आपने प्रतिज्ञा कर ली थी, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो आप क्या आए। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जिस वक्त राम से परशुराम की भेंट होती है उसके बहुत पहले ही परशुराम एक संकल्प ले चुके थे और उस संकल्प किसके सामने दिया था, इंद्र के सामने। किसने निभाया था? अगस्त कश्यप ऋषि ने। अपन पृथ्वी का एक पर्यायवाची नाम बोलते हैं काश्यपी, क्या बोलते हैं काश्यपी, क्यों बोलते हैं? कश्यप के हाथ में अनेक बार पृथ्वी आई है पर 21 बार तो अकेले परशुराम ने दिए कि ये संभाले इसको, मैं इसकी दुर्दशा को रोक करके आपके सामने फिर एक अच्छी स्थिति में ले रहा हूं। तो इन 21 बार के अनुभवों में कश्यप के सामने पीड़ा आई है कि वास्तव में पृथ्वी का जो संरक्षक वर्ग है उसको जब तक हम नष्ट करते रहेंगे तब तक पृथ्वी में अच्छाइयां आई कहां से। तो अंत में कश्यप ने कहा प्रश्न सुनो क्या कि तुमने पृथ्वी दान कर दिया, अब ये पृथ्वी मेरे कहा है, तो अब मैं कहता तुम मेरे पृथ्वी चले। अब वो पृथ्वी के आप राजस्थान में छोड़ सकते हैं, महाराष्ट्र को छोड़ सकते हैं, यूपी को छोड़ सकते हैं, बंगाल पंजाब किसी को छोड़ सकते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे पर पृथ्वी को नहीं छोड़ सकते। तो परशुराम ने कहा ये तो कैसे संभव है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, चलो तुम कहते हो एक सुविधा दे देता हूँ कि तुम दिन में पृथ्वी पर घूम सकते हो पर तुम्हारी रात्रि हर हालत में पृथ्वी पर नहीं रहेगी। तो परशुराम का ठीक है तो आपका आदेश मुझे शिरोधार्य
और महेंद्र पर्वत पर आकर के स्थायी रूप से अपना निवास बना लेते हैं, ये तय हो चुका था और महेंद्र पर्वत से ही परशुराम आए थे। अब झगड़ा बढ़ी रहा था, दशरथ की रौनक को सुन ही नहीं रहा था। तब तक राम के पास से पहुंच गया और वो कुछ जोर से बोले परशुराम, तो राम को एक बात कहते हैं, देखा कितनी बड़ी बात है, हम वाल्मीकि रामायण पढ़े तो मजा आ जाएगा कि क्या, कि देखिए पिताजी आ गए, उनके सामने मैं ऊंचे स्वर में नहीं बोल सकता, आप ढंग से बात कीजिए, बस एक ही वाक्य वाल्मीकि। तुलसीदास जी ने उसको क्या किया कि परशुराम सारी मान मर्यादा खो करके शास्त्र का जिसका अध्ययन नहीं हुआ है, ब्राह्मण तो नाम की जिसमें कोई बात ही नहीं है, और मंच पर वो ठोक ठोक करके तख्तों को और बकवास कर रहे हैं, लक्ष्मण देख रहे कि तू आगे कैसे बढ़ेगा, मैं तेरे से कम हो गया, और फिर वो बकवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने महाराज ने खूब नंगे करके इनको बकवास कर दिया। अब आप सोचिए इस बकवास में क्या मिला, क्या लक्ष्मण का चरित्र हुआ, क्या राम का चरित्र हुआ, क्या परशुराम का चरित्र हुआ, और फिर अब इस सीधी सी घटना की परशुराम अपने आक्रोश को लेकर आए हैं, राम जैसे व्यक्तियों ने मिले, देखिए आप धीरे स्वर से बात कीजिए, पिताजी हैं मैं इनके सामने उच्च स्वर में नहीं बोलूंगा, जो व्यक्ति पिता के सामने उच्च स्वर में बात नहीं कर सकता उसी का भाई कौन लक्ष्मण, वो मंच के ऊपर नंबा कुछ बोलेगा, कहीं तुलसीदास ने क्यों नहीं इन पर ध्यान दिया, और मेरे से ज्यादा आप लोगों से ज्यादा अनेक हजार गुना श्रेष्ठ भक्त तुलसी, जब श्रेष्ठ भक्तों की हालत है जो हमारे साहित्य को ये रूप दे रहे हैं, तो हम क्या कहें, उनकी जय जयकार करेंगे या कहेंगे बाबा आपका कोई ग्रंथ न पढ़े, हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे, आखिर में आपकी श्रद्धा क्यों क्यों। जब बातचीत शुरू हुई तो काफी अच्छा तुम ये धनुष चढ़ाओ, राम ने सोच लीजिए ले लिया धनुष, लेते चढ़ा प्रत्यंजय चढ़ा ली, बाण लगाओ, बाण लगा कि अब देखिए मैं आपसे बाण चलाने के पहले पूछना चाहता हूँ छोटी सी बात, मेरा बाण अमोघ होता है और बिना लक्ष्य के चलता नहीं, अब आप चलाने की बात कर रहे हैं, आप बताइए मैं क्या करूँ, आपने अब तक जो महान महान लोगों की प्राप्ति की है, तो राम जैसे व्यक्ति के शब्द हैं परशुराम को, हम लोग परशुराम को नहीं क्या घृणित मान बैठे, और जब तुलसी जैसे लोग इस प्रकार बकवास करेंगे तो घृणित होंगे होंगे, कि ऐसे महान लोग हैं उन लोगों ने आपकी गति बंद कर दो, अथवा आप जो पसंद कहें वो करूँ, यानी राम का बाण वो सब कुछ कर सकता है जो परशुराम चाहेगा। तो परशुराम ने कहा नहीं, मैं मुझे इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, मैंने जो कुछ किया है अपने दायित्व पर निर्भर करके दृष्टि किया, कोई मेरे पीछे लोगों का आकर्षण नहीं था, नष्ट कर देने लोग, बस मैं ये चाहता तुम मेरी गति की रक्षा इतनी करना कि मैं महेंद्र पर्वत तक चला जाऊं, कहीं आने जाने में मेरे जीवन में बाधा नहीं आनी चाहिए, मैंने कश्यप को बाधा किया। परशुराम ये बात कहता राम कहते ठीक मैं यही करूँगा कि आपकी गति को नष्ट नहीं करूँगा, आप इसी प्राप्ति घूमेंगे और अपना बाण चला देते हैं। अब कहाँ अब ये सारी बातें स्पष्ट नहीं कर लेती है कि राम द्वापर में है या त्रेता है, एक प्रत्यक्ष श्लोक और लीजिए महाभारत में आदि पर्वों में दूसरे तीसरे अध्याय में ही भगवान व्यास बड़े कष्ट के साथ कहते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी पर जल्दी जल्दी और अनेक अनेक बार भयंकर आक्रमण हुए हैं, इसे कैसे सहन करें, तो उन्होंने पहला उदाहरण दिया परशुराम का कि जिन्होंने अनेक बार त्रेता और द्वापर की संधि में, कब त्रेता और द्वापर की संधि में क्षत्रियों का संहार किया है, ये कोई और आज इसी भूमि पर कौरव और पांडवों का इस युग में कलयुग में भयंकर रूप से संहार हो रहा है, तो द्वेपा द्वेता द्वापर राम क्षत्र श्रेष्ठ विजाम्बर असकृत पार्थिव क्षत्रम जघाना मर्ष चोदित
अमर से प्रेरित परशुराम ने त्रेता और द्वापर की संधि में अनेक बार क्षत्रियों का संहार किया है। इसका मतलब राम त्रेता में थे, द्वापर में थे। त्रेता द्वापर का संधि का अर्थ है त्रेता समाप्त होने आ रहा और द्वापर प्रारंभ होने आ रहा। उस वक्त अगर 21 बार संहार हुआ और दशरथ कहता अपने संहार के बाद यह प्रतिज्ञा करनी थी कश्यप के सामने और इंद्र साक्षी है कि मैं क्षत्रिय विरुद्ध कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो आपको मारना है, इससे स्पष्ट नहीं हो जाता है कि द्वापर है। पर हमारे महर्षि जो निर्णय बना हुआ है अब इसको स्वीकार नहीं कर रहे। टीकाकारों नाना प्रकार से व्याख्या की कि वो त्रेता है, यह हमारे शास्त्र के सिद्धांत। आगे देखे कि हमें एक पाप और सिखाया जा रहा है, बड़े प्यार से हम बिना सोचे समझे उस पाप को झेले जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। पाप क्या है कि रामायण का बालकांड और रामायण का उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। क्या है प्रक्षिप्त? प्रक्षिप्त कर रहे कि कोई नालायक अपनी बात कहने के लिए उसमें मन चाहे जोड़ लेता है वो प्रक्षिप्त है। दूसरे शब्दों में स्पष्ट है तो ये वाल्मीकि की रचना ही नहीं है, किसी और की रचना। जब हमारे विद्वानों के मन में ये जच गया यह प्रक्षिप्त है तो चलो वाल्मीकि की रामायण की रक्षा कर लो अपन अयोध्या से और युद्ध का रक्षा कर लो। तो ये एक दूसरा मंत्र बिना दीक्षा के अपने नालायक गुरुओं से लेकर के हम लोग चल रहे हैं और कभी हमने ये सोचा है कि वस्तुतः ये जो अंत में है क्या नाम जिसको हम बोलते हैं उत्तरकांड, ये वाल्मीकि की रचना नहीं और वाल्मीकि की रचना का विचार ही नहीं। एक ग्रंथ के कितने नाना प्रकार के तरीके होते हैं, सारे संस्कृत के विद्वान बड़े आराम से इतिहास लिख रहे हैं। अभी तो एक नया और प्रकाशित हुआ करके वही था 8 खंडों में उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत साहित्य के इतिहास को प्रकट किया था। उसमें बलदेव उपाध्याय जैसे थे जिनको कोई कुछ नहीं आता और सैकड़ों ग्रंथ लिखते, सैकड़ों ग्रंथ उनके द्वारा। अब फिर 21 या 11 भागों में फिर वो उत्तर प्रदेश से ही संस्कृत साहित्य का एक इतिहास और नया हुआ है निकल रहा हो। उन सब में वही बातें दोहराई जा रही जो हमारे पहले वाले व्यक्ति आराम से दोहराए गए, हम क्या करेंगे। तो इस दृष्टि से वहाँ जब राम के चरित्र के नायक वाल्मीकि या तो जानबूझकर गलत लिखते हैं या लोग उनमें लाकर गलती फंसा देते हैं, फिलहाल वो गलती एक तरह से अपने स्वाभाविक निष्ठा के स्वरूप को खो बैठा है, ये हमारा है। और इसी पर हमारा सारा ध्यान चल रहा। अब ऐसी स्थिति में अगर प्रतिज्ञा कर लें जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के, नए राम ने सीता का त्याग ही नहीं किया था, तब क्या कहें परमेश्वर? क्या वो जिस संप्रदाय के महान आचार्य है, संप्रदाय का नाम ही रामानंद है और रामानंद धाम कह दिया, वहां एक ही आधार हमारे पास वाल्मीकि है। भगवान राम के स्वरूप को सारे विश्व के सामने रखने वाले पहले व्यक्ति जो राम के साथी भी हैं, राम के गुरु भी हैं, राम के बच्चों के नाना दादा और शिक्षा के आचार्य भी हैं, उस उत्तरकांड को जब हमने प्रक्षिप्त मान लिया है क्योंकि सीता के त्याग की बात वहीं आती और प्रतिज्ञा कर बैठे तो तय कर लीजिए भाई, अब छोड़ दीजिए मुझे रामानंद संप्रदाय पसंद नहीं, वो भी राम का मान रहा है, मैं तो राम को अपने रूप में देखता हूँ, केवल अपने रूप में। मेरा राम कभी इसी जगह त्याग नहीं कर सकता। अब इसके जितने भी नाना प्रकार के गलत तौर तरीके हैं, गलत उद्धरण हैं, उनको हम शरण देंगे तो क्या हम राम को बांटेंगे? तुलसी का राम, वाल्मीकि का राम क्यों आप उसके कैसे बांटेंगे? तो जब तक आप लोग इन पर ध्यान नहीं देंगे कि हम ओझा जी का इन दूसरे लोगों के साथ एक अंतर स्पष्ट करें कि उस व्यक्ति ने इस बात की कभी चिंता नहीं की कि मेरे लिए लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, पर वो सारे छिपे हुए रहस्य
जो अवस्था कितनी, तो मैं ये कहने जा रहा था ओझा जी ने चार भागों में अपने वेद को बांटा है इसमें, और ये सबसे पहले गुरु है ऋषि ध्यानानंद। आप पुराने किसी भी क्या नाम जो है क्या नाम सैनानी और उनसे प्राचीन आश्रय देख लीजिए, किसी व्यक्ति ने वेद के इस प्रकार के विभाग नहीं किए जो पहली दृष्टि ही बता दी कि वेद का कितना महत्व है। ऋषि ध्यानानंद जी ने इतिहास को निकाला उसमें से, दूसरी उन्होंने यज्ञ को भी ले लिया, पर यज्ञ और वेद में क्या अंतर नहीं, इन्होंने ओझा जी स्पष्ट शब्दों कहा है कि वेद के चार स्वरूप मेरे सामने आए हैं, यज्ञोक्त विज्ञान तथे इतिहास है स्तुति, यज्ञ विज्ञान इतिहास और स्तुति, ये चारों चीज वेद में अभी बनेगी, मजे नहीं आएगा, कर लीजिएगा दो मिनट में। तो अभी अपने सामने 20 मिनट हो रहे हैं, आधार भूमि यही है कि जब तक हम ये तय न कर लें कि मेरा जीवन का एक एक क्षण केवल वेद के लिए, मैं हूं नहीं बिल्कुल, मैं महान विद्वान हूं बिल्कुल नहीं, मैं किसी संप्रदाय का आचार्य हूं बिल्कुल नहीं, मैं वेद के लिए सर्वस्व अर्पित करके जिस तप में उतरा हूं वेद भगवान मेरे उस तप को सफल करें, ये भाव लेकर व्यक्ति करे। और एक हम यह कहें कि ओझा जी की व्याख्या जहां नहीं हुई है वहां व्याख्या करूं, क्या व्याख्या का सत्यानाश हो रहा हो, तो क्या जिस ओझा जी की हम इतनी प्रतिष्ठा केवल वेद के कारण से ही कर रहे हैं और उसी वेद की व्याख्या में अगर ओझा जी की प्रतिकूल बातें निकलती हैं तो हमें ओझा जी पर भी कितनी पकड़ और कितनी श्रद्धा रखनी चाहिए पहले तय करना। मैं मानता हूं और कभी आगे बढ़ेंगे कि आदमी आदमी है, उससे गलतियां नहीं होती हैं क्या। आप पुराण आदि विषयों को लीजिए और ओझा जी कई बार हमारे सामने आएंगे जिनमें हमें अनेक संशोधनों की आवश्यकता है, पर सब कुछ मिला करके अंत में ओझा जी ने जो कुछ कहा है वो अद्वितीय है, और उस अद्वितीय का उदाहरण मैं आपको बाद में दूंगा। केवल एक छोटी सी बात बताऊं, भूलोक का स्वर्ग क्या है, भूलोक का स्वर्ग हम अभी मानते हैं क्या कि पृथ्वी पर स्वर्ग कैसे रहा, इंद्र पृथ्वी पर रहा, विष्णु आप नर नारायण की यात्रा करने तो जाते हैं, कहाँ है वो नर नारायण, भारतीय भूमि में है, भारतीय भूमि बाहर से भारतीय भूमि में कहीं लोग पृथ्वी पर सही, ये कैलाश जहां भगवान शंकर स्थान माना जाता है कहाँ है, पृथ्वी पर ही है। कौन सा ऐसा देवता है जो पृथ्वी पर नहीं है, सारे देवता पृथ्वी पर, इस संपूर्ण देवता पृथ्वी पर ही आशीर्वाद है, वेदों में है, इतिहास पुराणों में है, रामायण में है, महाभारत में है, और हम बोले जा रहे हैं सब पृथ्वी पर जब गए मरकर के स्वर्ग में गए तो प्रश्न का इस पृथ्वी पर कहीं गए हैं या स्वर्ग से इतने भी गुरु लोग जा गए, तो ओझा जी का अध्ययन करने के पहले हम जब तक इन सब वस्तुओं को थोड़ा सा आधार देकर समझ का और तय नहीं कर देंगे तो यहाँ पर वो जहाँ से मैंने प्रारंभ की थी नारायण ऋषि का सूक्त पुरुष सूक्त वहां पर क्या कहा, शीर्षणो द्यौ समवर्तत, शीर्ष क्या है, जिससे द्यु पैदा हुआ इसे आत्मा का है, किसी शरीर का शरीर नहीं है, और उस द्यु में जो देवता है उनसे इस पृथ्वी की सृष्टि हुई है, तो आत्मा आत्मा का जो दिव्य भाग द्युलोक, द्युलोक की सारे देवताओं की सृष्टि है पृथ्वीलोक, ये एक हम तीन बातों को लेकर के और चले तो निश्चित रूप से मरने पर हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे क्या होगा, इन सारी बातों को बहुत अच्छे नहीं तो आज यही है कि अगर आज से 5000 वर्ष पहले तक सारे देवता थे आज कहाँ चले गए, क्या देवता मर गए, प्रश्न है आप बता दीजिए जिन स्थानों पर जा रहे हैं कि तिब्बत ब्रह्मा जी का लोक था जिसको हम त्रिविष्टप बोलते हैं, क्या बोलते हैं त्रिविष्टप ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी की सभा कहाँ, तिब्बत में ब्रह्मा सभा, जहाँ आप भयंकर जंगलों में जा रहे हैं वहाँ बौद्ध वगैरह अपने अपने ढंग से प्रचार कर रहे हैं आपके देवताओं का एक प्रचार है, तो ब्रह्मा मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे जो वर्षों से चले त्रुटियों को दूर करके देखें तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने ओझा जी ने क्या जबरदस्त देन दी है, और वहीं से इंद्रविजय जैसे ग्रंथ से हम प्रारंभ करें
तो हमें पता चलेगा कि वस्तुतः भारत का और इस पृथ्वी का एक एक कोना किस प्रकार से दैत्य संपदा से परिपूर्ण था। इस दृष्टि को पारंपार करने की दृष्टि से ये चार सूत्र ध्यान रखें कि वेदो धर्म। तो पैदा होने वाले बच्चे को जब पिता नाम रखता है, ऐसे नाम रखे भी नहीं जाते, आपके 11वें दिन या 10वें दिन रखकर जाता है, और वो भी कुछ भी रख लेते हैं, और ऐसा रखते हैं कि जिसका लोगों में प्रचार प्रसार ना हो, ऐसा नया नाम। और फिर विनाक्षी है, हमेशा नाम क्या है, विनाक्षी, क्यों भाई, बात सर मीनाक्षी है ना, नहीं बेटा मीनाक्षी नहीं होती है, मीनाक्षी तो है। हाँ तो भाई जब आप कह रहे हैं मीनाक्षी थी, मीनाक्षी क्यों नहीं जाएगी, मैंने कहा ठीक है, मीनाक्षी का क्या होता है, मेन माने मछली आती हो लड़की, अक्षय मन आंखें, तो जिसकी आंखें मछली जैसी हो वो तो मीनाक्षी हो गई, पर अब मीनाक्षी काट के बढ़े तो उसकी आंखें खुली कि बिना अक्षी, अक्षी के बिना कौन रहता है, अंडा। तो माँ बाप ने तेरा नाम रखा मीनाक्षी, नवीन का नाम खूब हमारा गुरु बना हुआ है क्या, गूगल आकाश में चाहो जैसे नाम, बड़े से बढ़िया नाम देने हम तैयार बैठे। अरे सोचो हमारे माता पिता किस विषय नाम रखते थे, शौनक जैसे ऋषि नाम के विषय में क्या कहते हैं, इन सब बातों को साथ देकर वेद को हम देखेंगे। तो वेद ज्ञान और विज्ञान इन दोनों का ही नहीं, आपके लोक और परलोक इसका भी, और वही अंत में है कि पुरुष के क्या अर्थ हैं, कितने अर्थ हैं, चार, पुरुषार्थ कितने हैं, चार, चार में सबसे पहले क्या है और सबसे अंत में क्या है, तो धर्म को आधार बनाकर आप मोक्ष की ओर बढ़ें तब तक पुरुष की अर्थ की सिद्धि हो रही है, और धर्म कहीं और है, मोक्ष कहीं और है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हमने फोन बनाए, बड़े गर्व से कहते हो यही हमारा भाई सुनते, अरे आप विषमता की पूर्ति करने वाला है या यह स्वर्ग का एक भाग बन गया, क्या आप जिंदगी भर यहीं बने रहेंगे, बने रह सकेंगे क्या, तो इतना सब कुछ करते वाला हम सोचते क्या, हमने संप्रदाय खड़ा किया, बहुत सुंदर काम किया, ईश्वर की दैवी संप्रदाय को प्राप्त है, पर क्या ये संप्रदाय उसी प्रकार से ढके ढकेलते और हम अनेक काम पहुंच जाएंगे जहां प्रभुपाद का एक पलंग करोड़ रुपए का और क्या ही कह रहा है। तो क्या हम इन आदर्शों को तो प्रण में है, वो हमारे लिए प्रण में है, किसों पर आज हमारे लिए ही प्रण में स्वर है, बाबा क्या नाम, बाप बेटे जो नाम बार बार भूल जाता है उसका, नारायण का बेटा है, नहीं दिया वो हमसे तेज है, क्योंकि हम चार आदमी को इकट्ठा नहीं कर सकते, और वो हजारों व्यक्ति अंधे होकर उसके लिए आपकी जान देने और तैयार हो जाएंगे, एक शब्द भी आपने बोल दिया था, तो मैं कह रहा हूं इसके मतलब उसे दिव्य संपदा है, हमसे तेज है, हजारों गुना तेज है, पर क्या केवल ये तेजस्विता ही मान्य है, अथवा तेजस्विता हमें कहां ले जा रही है, ये मान्य जिस रोज हम ये भाग कर लेंगे कि तेजस्विता क्या है और कहां ले जा रही है, तब हम वास्तव में सही रस्ते पर आएंगे। उस वक्त आप महत्व से महत्वपूर्ण काम को छोड़कर भी सोचेंगे कि नहीं, स्वाध्याय मेरा ब्रह्म यज्ञ है, और मेरे ब्रह्म यज्ञ में एक दिन का भी किसी प्रकार का जो नागा वाला भाव नहीं होना चाहिए, यह हम करें तो है। तो इस दृष्टि से अब आप ओझा जी के विषय पूछो, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, और क्या प्रश्न आपके।